हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों दोस्तों सभी को जय सियाराम, जय माता दी। दोस्तों आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपको लेके चलते हैं। दोस्तों आज मैं एक्चुअली काम ज़्यादा होने की वजह से आज ऑफिस से बाहर नहीं जा पाया, और ऑफिस से बाहर गया भी था तो दोस्तों मीटिंग्स थी हमारी एक दो जगह पर, तो वहाँ पे जाके मीटिंग्स वगैरह हम लोगों ने अटेंड किया है। मीटिंग अटेंड करके कुछ क्लाइंट को भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने थे दोस्तों, तो उस वजह से आज बाहर मैं नहीं जा पाया ब्लॉगिंग करने के लिए दोस्तों। तो मैं देखता हूँ दोस्तों, बाहर आपको मिलाता हूँ। ये हमारा ऑफिस है दोस्तों, और ऑफिस में हमारे फ्रेंड आए हुए हैं अभी। अजय जी ये बैठे हुए, देखिए क्या हाल भाई। बहुत बढ़िया, कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो गए और वीडियो बना रहे हो? अभी तो मन नहीं कर रहा है। ये क्या बात हुई? अरे इनको ना थोड़ा सा कुछ और भी जगह जाना वाना होता है, जिम वगैरह, तो इनको समय नहीं दे पा रहे वीडियो में दोस्तों। तो अगर ये समय देंगे तो बिल्कुल बनाएंगे आगे चल के वीडियो, अभी ये पूरा प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे दोस्तों। समय तो आपको पता ही है कि समय आज के टाइम पे किसके पास है ज़्यादा, क्योंकि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसमें समय तो आपको देना ही पड़ता है दोस्तों। जब आप समय देते हैं तो ही आपका काम आगे बढ़ता होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि फ्रेंड्स को तो हमें याद करना ही होता है, और हम लोग याद करते रहते हैं ऑलरेडी। और सभी भाइयों से यही विनती करता हूँ कि दोस्तों सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए अगर आप जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट भी टाइम से मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। दिल्ली में काफ़ी सर्दी वगैरह पड़ रही है इस टाइम पर, तो दिल्ली में काफ़ी सर्दी पड़ने की वजह से लोग बाहर का कुछ कम आना जाना हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अभी बाहर का नज़ारा किस प्रकार से हो रखा है। बाहर का नज़ारा दोस्तों तो इस तरीके से बाहर का भी बहुत ही अच्छा नज़ारा हो रखा है। सर्दी के टाइम का शाम को वीडियोस होता है ये। हमारे पड़ोस में देखिए दोस्तों एक नई शॉप भी खुली हुई है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ नई शॉप के पास। मूंगफली की और नमकीन की दोस्तों शॉप है, और ये नवजीवन एकेडमी के जस्ट पास में ही शॉप पड़ती है दोस्तों। दिखाता हूँ आपको, ये शॉप है, न्यू शॉप अभी बनी हुई है दोस्तों, बालाजी बेकरी एंड नमकीन के नाम से। और ये पड़ोस के ही हैं हमारे दोस्तों। इस तरीके से अभी न्यू शॉप ओपन हुई है, ये नवजीवन एकेडमी के पास ही पड़ती होती है दोस्तों। यहाँ पे नमकीन मीठा मूंगफली भी रखते हो दोस्त है? अच्छा, बहुत अच्छा है। क्या क्या होता है आपकी दुकान पे? अरे वो तो रखा है, आप भी तो बताओ ना कुछ। पट्टी होती है दोस्तों, गुड़ पट्टी होती है, नमकीन होती है, मट्ठी होती है, और ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको, मुरमुरे। इस तरीके से दोस्तों काफ़ी सामान होता है, बिस्कुट होते हैं बेकरी वाले। तो ये हमारे बिल्कुल जस्ट पड़ोस में न्यू शॉप अभी ओपन हुई है, और नवजीवन एकेडमी स्कूल के जस्ट पास में दोस्तों पड़ती होती है। तो यहाँ पे स्कूल के बच्चे वगैरह आते रहते हैं कुछ भी सामान वगैरह लेने के लिए, तो उनके लिए ईजी हो गया कि यहाँ पर चॉकलेट वगैरह भी रखते हो ना। क्या बात है, बहुत अच्छा दोस्तों। मैंने जैसा कि दिखाया आपको दोस्तों, दिखाया आपको किस तरीके से यहाँ पे शॉप है, और शॉप के साथ साथ एक हमारे पास में भी शॉप है, बगल में आंटी की शॉप भी है। ये आंटी की शॉप है बगल मैडम जी, और वो कहाँ गए भैया? ये बगल में भी शॉप है, तो आमने सामने दोनों लोग की शॉप हमारे पड़ोस में अभी ओपन हुई है, तो हर सामान यहाँ पे मिल जाता है खाने पीने का दोस्तों। कुछ भी किसी को भी चाहिए हो तो अपना आके ले सकते हैं और खा सकते हैं दोस्तों आके।
दोस्तों चलते हैं ऑफिस की तरफ। तो फ्रेंड्स हम लोग ऑफिस में एंट्री कर चुके हैं, तो ऑफिस में एंट्री कर चुके हैं और मैंने दिखाया आपको नमकीन की शॉप ओपन हुई है, बेकरी है जो दोस्तों, तो अच्छा है। सर्दी के टाइम पे सभी को ज़रूरत होती है दोस्तों की कुछ भी, जैसे खाने पीने का सामान लेना है, मूंगफली हुआ, नमकीन हुआ, तो वो आके ले सकते हैं। और पास में जब शॉप होती तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, बाहर दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों कि दूर जाएंगे तभी वो सामान आएगा हमारे पास, तब हम उसको यूज कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने जैसा कि दिखाया आपको, काफ़ी सारी शॉप के अंदर सामान पड़े हुए हैं, खाने पीने वाले चॉकलेट से लेके मुरमुरे मूँगफली वगैरह सारा चीज़ दिखाया जैसा भी। तो दोस्तों अब मिलते हैं सभी भाइयों को एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा पार्ट वीडियो के अंदर अच्छा लगा उसके बारे में आप कमेंट करके दोस्तों बताएंगे, और जब आप कमेंट करके बताएंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी माताओं बहनों को और भाइयों को जय सियाराम, जय माता दी दोस्तों।